हेलो एवरीवन कैसे हो सारे के सारे मुझे पता है लेक्चर बहुत ज्यादा लेट हो गए है, but I promise you that labor, हैं बट आई प्रॉमिस टू दैट सिलेबस हम बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं और बहुत ही स्पीड में कवर करेंगे सब कुछ कवर कराया जाएगा आपको डेली वीडियोस मिल रहे होंगे जस्ट सपोर्ट द चैनल शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू लाइक एंड कॉमेंट्स ओके अब हम बात कर रहे हैं डिक्शनरीज इन पाइथन की ओके बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर देर इज सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू डिस्कस विद यू दैट इज कल हमारा सिंपल क्वेश्चन पेपर सी ने रिलीज कर दिया है तो अब आपको उसका बहुत ही डिटेल्ड इन डेप्थ एनालिसिस मिल रहा होगा तो बहुत जल्दी चैनल पर आ रहा होगा साथ में जिनको बैच में एनरोल करना है क्लास ट्वेल्थ का जो बैच है वो हमारा चल रहा है इसमें हम अभी नया बैच शुरू हुआ है इसमें हमारा रिविजन टू टू चल रहा है ठीक है तो आप उसको इनरोल कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टीचर्स डे के ऑफर प्राइस पर आप इनरोल कर सकते हैं ना बात करते हैं दैट इज डिक्शनरीज इन पाइथन अब भैया डिक्शनरीज क्या होते हैं जैसे आपने देखा होगा कि डिक्शनरी तो डिक्शनरी में आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हर वर्ड का एक मीनिंग होता है क्या है हर वर्ड विद एक मीनिंग रहता है ठीक है यानी क्या मैं कह सकता हूँ कि वर्ड मीनिंग का एक पेयर होता है क्या होता है कि एक वर्ड मीनिंग का पेयर मौजूद होता है सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ कुछ ऐसा ही होने वाला है ठीक है दैट इज डिक्शनरी को हम क्या कह सकते हैं कि इट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन क्या है ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ अब ये कलेक्शन किसका है दैट इज यहां पर जैसे आपने देखा वर्ड और मीनिंग का वर्ड और मीनिंग्स रहते हैं आपके डिक्शनरी के अंदर बट यहां पर होगा दैट इज योर की टू द वैल्यू पेयर्स की टू द वैल्यू पेयर्स इंक्लोज इन साइड किसके अंदर बंद होगा ये करली ब्रैकेट्स ठीक है ब्रैकेट्स बात समझ में आ गई जी बात समझ में आ गई नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज डिक्शनरीज आर म्यूटेबल इन नेचर अब म्यूटेबल का मतलब क्या होता है म्यूटेबल का मतलब ये होता है दैट इज कि आप क्या कर सकते हैं आप इसमें जो वैल्यू uh, है उसकी उसको चेंज कर सकते हैं ठीक है एंड नेक्स्ट इज अब बात करते हैं कि हम डिक्शनरीज को कैसे क्रिएट कर रहे होंगे दैट इज क्रिएटिंग डिक्शनरी डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए वी नीड अ वेरिएबल लाइक दिस आफ्टर दैट वी नीड करली ब्रैकेट्स एंड की अब देखो की और वैल्यू का जो पेयर है उसे हम सेपरेट करेंगे जिससे कॉलन साइन से, ठीक है और मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स को हम सेपरेट करेंगे कॉमा से, ठीक है एक एक पहला पेयर होगा ये दूसरा की वैल्यू पेयर हो गया ठीक है एंड ओके okay? बात समझ में आ गई बात समझ में आ गई ना ये जो ब्रैकेट जहां से ये क्या मार्क कर रहे हैं ये बता रहे हैं कि भैया हमारी डिक्शनरी यहाँ से ओपन हो रही है एंड एट मार्क्स की डिक्शनरी ये हमारे यहाँ से क्लोज हो रही है ओके ना नेक्स्ट इज दैट इज हाउ वी विल एसेस एसेस एलिमेंट्स ऑफ अ डिक्शनरी अगर आपको डिक्शनरी के एलिमेंट्स को एसेस करना है जैसे कि हमने लिस्ट में पढ़ा था तो लिस्ट में, में tuple, what, हम इस चीज़ को क्या कहते हैं इन द लिस्ट और इन द टपल वी कॉल इट एज दैट इज वॉट कि भैया हम यहाँ पर इंडेक्सिंग कर रहे हैं ठीक है तो so, एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे इंटेक्स देखते हैं हम सिविल है इंटेक्स आपको डिक्शनरी का नाम पता होना चाहिए ठीक है डिक्शनरी का नाम एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको उसकी की लिख देनी है क्या लिखनी है आपको उसकी की लिखनी है ठीक है एंड इन रिटर्न आपको क्या मिलेगा दैट इज इन रिटर्न यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दैट की वॉट वैल्यू ऑफ दैट की ठीक है ओके okay? आई बात समझ में जी बहुत बढ़िया नाउ कुछ चीजें अगर आपको ऑल कीज देखनी है क्या अगर आपको ऑल कीज देखना चाहते हो आप देन वी विल यूज डिक्शनरी डॉट कीज फंक्शन यूज करेंगे क्या यूज करेंगे हम डिक्शनरी डॉट कीज़ फंक्शन को यूज़ कर रहे होंगे एंड अगर आपको ऑल वैल्यूज को देखना है क्या है अगर आप ऑल वैल्यूज को देखना चाहते हो दैन वी हैव टू यूज डिक्शनरी डॉट वैल्यूज़ फंक्शन को यूज़ करेंगे क्या करेंगे हम डिक्शनरी डॉट कीज़ क्या करेगा बेटा सारी कीज़ आपको दिखा देगा एंड डिक्शनरी डॉट वैल्यूज क्या करेगा आपको सारी वैल्यूज है वो आपको डिस्प्ले करा देगा नाउ इट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये कभी कभी पूछ लिया जाता है ठीक है आपके स्कूल में पूछा जा सकता है दैट इज वॉट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिक्शनरी क्या है वॉट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिक्शनरी सबसे पहले अगर हम की बात करें सबसे पहले क्या है दैट इज इज इट एन अनऑर्डर्ड सेट ठीक है अनऑर्डर्ड सेट ऑफ वैल्यूज तो अनऑर्डर्ड सेट का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई भी इंडेक्सिंग पॉसिबल नहीं होने वाली है ठीक है नेक्स्ट इज दैट इज दे आर इंडेक्सड बाई कीज देख हम की हेल्प से अपनी वैल्यूज को फैच कर रहे दर म्यूटेबल इन नेचर ठीक है म्यूटेबल इन नेचर ओके ना और कैटेश और लिखिए दैट इज की शुड बी यूनिक च की शुड बी यूनिक अब ऐसा क्यों होना चाहिए ध्यान से मेरी बात को समझो देखो आप इंडेक्सिंग करेंगे कीज की हेल्प से ठीक है अगर कीज डुप्लीकेट हो जाएंगी तो क्या होगा आप जिस वैल्यू को ढूंढना चाहते हैं आप तो उस वैल्यू तक तो नहीं पहुंच पाएंगे ओके okay? ठीक है जी ओके नेक्स्ट इज दैट इज डिक्शनरी इज ब्यूट तो मैंने बता दिया बट अगर आपको कभी भी किसी भी की की वैल्यू चेंज करनी है तो हम क्या करेंगे विल जस्ट राइट डिक्शनरी का नाम एंड आपको उसकी की लिखना है ठीक है एंड आप जो भी नई वैल्यू उसको देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कर सकते हैं आप उस की को जो भी नई वैल्यू देना चाहते हैं वो यहाँ पर आप उसको लिख सकते हैं ओके ना यहाँ तक तो बात होगी मेरे डिक्शनरी के बारे में अब हम बात करते हैं डिक्शनरी के ऑपरेशन के बारे में डिक्शनरी पर हमें कौन कौन से ऑपरेशन को परफॉर्म करना है दैट इज डिक्शनरी के ऑपरेशन की बात कर लेते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे दैट इज ट्रावर्सिंग अब ट्रावर्सिंग हम आपको अच्छे से आ, सब में मैंने बताया है ट्रावर्सिंग में बेसिकली क्या करेंगे फॉर आपका वेरिएबल एंड इन योर डिक्शनरी के ऊपर हमें लूप चलाना है आपको जो भी प्रोसेसिंग करानी है वो हम यहाँ पर लिख रहे होंगे ठीक है फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक डिक्शनरी है इज वी है डिक्शनरी डी वन बराबर सेवन कॉमा सॉरी कॉमा नहीं कॉलन राइट सेवन एट कॉलन एट ठीक है तो ये क्या है बेसिकली हमारे की वैल्यू पेयर्स हैं इसमें क्या है वी की वैल्यू पेयर्स नाउ अब हमें क्या करना है इसको डिस्प्ले कराने के लिए लाइक दिस फॉर आई इन और आई इन डी वन फॉर आई इन डी वन नाव अब हम प्रिंट कैसे कराएंगे प्रिंट आई okay? में क्या आएगा इसमें एड्रेस पहले आपका सेवन आएगा फिर एट आएगा तो यानी की आ रही है so, तो इस तरीके से एंड वी विल डिस्प्ले अवर एक कॉलन साइन एंड डिस्प्ले डी वन ऑफ आई ठीक है डी डिस्प्ले करेगा उस पर्टिकुलर की वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा इस फॉर्मेट में जो है अपने की वैल्यू पेयर देखने को मिल रहे होंगे तो okay. so इसके लिए हमें क्या करना होगा हमें पहले डिक्शनरी का नाम पता होना इसमें एंड आपको यहाँ पर की लिख देनी है ठीक है एंड यहाँ पर आपको उसकी की वैल्यू लिख देनी है क्या लिखना है उसकी की वैल्यू लिख देनी है ठीक है सेम प्रोसेस फॉर द अपडेशन होने वाला है बट एडिंग में और अपडेशन में बेटा फर्क क्या है अपडेशन में क्या होता है कि हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू की वैल्यू को चेंज कर रहे होते हैं न्यू वैल्यू अपडेट कर रहे होते हैं दैट इज वी हैव डिक्शनरी की एंड न्यू वैल्यू दैट इज डिक्शनरी ऑफ की इज इक्वल्स टू न्यू वैल्यू बात समझ में आ रही है ठीक है नाउ हमने चीजें ऐड कर ली अब क्या करेंगे हम भैया जोड़ तो कर लिया घटाना कर लिया जाए क्या कहते हो तो नाउ वी विल डिलीट वैल्यूज डिलीट एलिमेंट्स फ्रॉम द डिक्शनरी अब डिलीशन में अगर हम ध्यान से देखें तो डिलीशन में आपको क्या देखना पड़ेगा देखो मेरी बात आपके पास दो मैथड है यहाँ पर डिलीट करने के सबसे पहला मैथड हमारा क्या कहता है दैट इज़ मैथड नंबर वन एंड दैट इज मैथड नंबर टू पहला मैथड है कि डिलीट की का यूज़ किया हमने डिक्शनरी का नाम लिखा ठीक है एंड आपको किस की वैल्यू पेयर को डिलीट करना है उसकी आपने की यहाँ पर लिख दी क्या किया उसकी आपने की यहाँ पर लिख दी है ठीक है एंड सेकेंड इज कि आपने डिक्शनरी का नाम लिखा ठीक है अब दिख रहा होगा डिक्शनरी का नाम लिखा डॉट पॉप एंड यहाँ पर आपने की लिख दी ठीक है इन दोनों में फर्क क्या है इन दोनों में फर्क ये है दैट इज ओके पॉप मेथड क्या करता है यूजुअली जो भी आइटम डिलीट करता है वो रिटर्न भी कर देता है ओके नाउ आफ्टर दैट वी हैव दैट इज मेंबरशिप ऑपरेटर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तो मेम्बरशिप करेंगे क्या हम चेक करेंगे कि भाई एग्जिस्टिंग कि क्या हमारी कोई चीज के अंदर एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है कैसे ध्यान से सुनो दैट इज की इन डिक्शनरी ठीक है अगर वो एग्जिस्ट करेगी तो ट्रू हो जाएगा अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फॉल्स हो जाएगा ठीक है एंड इसके बाद दैट इज की नॉट इन डिक्शनरी ओके सो दैट विल बी अपोजिट टू द इन ओके नॉट इन क्या होगा बेटा इनका अपोजिट होगा ओके okay? चलो नाउ अब बात करेंगे हम दैट इज अबाउट डिक्शनरी के फंक्शंस और मेथड्स के बारे में ठीक है वी विल टॉक अबाउट फंक्शंस एंड मेथड्स, ओके लेट्स well, स्टार्ट सबसे पहला हमारा होगा दैट इज लेंथ मेथड ठीक है अब लेंथ मेथड हमें क्या बताएगा लेंथ मेथड हमें बताएगा कितने तो नंबर ऑफ की वैल्यू पेयर्स हमारे पास हैं यूज़ करने के लिए लेंथ के बाद आपको सिंपली डिक्शनरी का नाम यहाँ पर लिख देना है एग्जाम्पल के लिए अगर मेरी डी वन डिक्शनरी है तो मैं लिखूंगा लेंथ ऑफ डी वन बात खत्म ओके आफ्टर दैट हमारे पास है सेकेंड फंक्शन दैट इज वी हैव क्लियर मैथड ठीक है अभी क्लियर मेथड क्या करेगा ये आपके डिक्शनरी के सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर देगा क्या करेगा इट विल डिलीट ऑल एलिमेंट्स ऑल आप ऐसे कह सकते हो ऑल की टू द वैल्यू पेयर्स ठीक है एंड एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपकी डिक्शनरी क्लियर हो रही है डिलीट नहीं हो रही है ओके सो योर डिक्शनरी बिकम्स एम्प्टी क्या हो रहा है डिक्शनरी बिकम्स एम्प्टी अब भैया इसे यूज़ कैसे करना है यूज करने के लिए सिंपली डिक्शनरी का नाम लिखो एंड डॉट क्लियर लगा दो क्या लगा दो क्लियर बिल्कुल स्प्राइट की तरह क्लियर हो जाएगी डिक्शनरी ठीक है चलो थर्ड वन इज वी हैव गेट मैथड डॉट वी हैव गेट मैथड अब ये गेट मैथड क्या करता है ध्यान से सुनो दैट इज कि आपको ये किसी पर्टिकुलर की जो वैल्यू है अगर आप फैच करना चाहते हैं गेट से भी कर सकते हैं डिक्शनरी डॉट गेट और यहां पर आपको लिख देनी है की ठीक है अगर आपको की नहीं मिलेगी अगर वो की एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो आपको एक एरर देखने को मिल रहा होगा मैथड आइटम मैथड क्या करता है कि आपके ऑल की वैल्यू पेयर को डिस्प्ले कर देगा क्या करेगा इट डिस्प्ले और ऑल की टू द वैल्यू पेयर्स दैट इज योर डिक्शनरी डॉट आइटम्स ओके वेल चल अब हमारे पास है वी हैव द नेक्स्ट वन इज टाटस वी हैव कीज मेथड ठीक है कीज मेथड मैंने अभी आपको बताया था कि मैथड क्या करता है टाटस की आपको जितनी भी आपकी है, कीज हैं डिक्शनरी के अंदर सभी सभी आपको देखने को मिल जाएंगी डिक्शनरी डॉट कीज ओके आफ्टर दैट वी हैव वैल्यूज मैथड वैल्यू so क्या करेगा या आपकी सारी वैल्यूज को डिस्प्ले कर देगा डिक्शनरी डॉट वैल्यूज ओके देन ओकेट मैथड अपडेट मैथड अपडेट मैथड में क्या होगा ध्यान से सुनो दट इज डिक्शनरी को मर्ज करता है क्या करता है इट मर्जेस द डिक्शनरी ठीक है डिक्शनरी, यानी कि जिस जिसमें आप मर्ज up. कराना चाहते हो वो हम पहले लिखेंगे यहाँ पर डॉट अपडेट मैथड अपडेट अब जिसको मर्ज कराना चाहते हो वो हम यहाँ पर लिखेंगे ठीक है तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर अदर डिक्शनरी ओके तो इस तरीके से हमारा ये डिक्शनरी टॉपिक खत्म होता है एंड इसी के साथ रिविजन टूल टू चैप्टर भी हमारा खत्म हो जाता है जिनको भी हैंड्रेड नोट्स चाहिए है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है यू कैन यूज द कूपन कोड ऑन फुल सिलेबस नोट दैट इज हैप्पी टीचर ट्वेल्व यू विल गेट एक्साइटिंग गिफ्ट फ्रॉम माई साइड एंड जिसको बैच में एनरोल करना है उनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इनरोल कर लीजिए जिनको दिक्कतें आ रही उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहे होंगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर जब मैं तब तक के लिए इसको लाइक करें शेयर करें दोस्तों के साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना